नमस्कार नमस्कार भैया आवाज जी, क्या आ कहते रही है? हैं जी? जी आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही है? नहीं, हम वो सब नहीं जानते हैं। हम एक आध गो प्लेन बात पूछते हैं। आप लोग जो है सो इस्लाम के दृष्टि से, मतलब इस्लाम के नजरिए से सनातन को क्यों देख रहे हो भाई? हमने नहीं इस्लाम के, हाँ, आप लोग तो वो पीछे पड़ गए हो कि क्या रेफरेंस सनातन है भैया? कोई रेफरेंस उफरेंस नहीं होता है, ये आपको नहीं पता है क्या? कहाँ पढ़े अच्छा हो नहीं आप लोग? होता, आप नहीं नहीं होता होता है है, गल एकदम नहीं। नहीं। आप देखिए, अच्छा आपको आपको ये मैं किधर? डीप एक नॉलेज मिनट दे एक रहा मिनट एक हूँ, मिनट डीप डीप नॉलेज, डीप आप एक मिनट, आप बड़ा जबरदस्त बात की है। 1 2 का 4, एकदम। नौ दो पंड, एक मिनट सुन तो लीजिए। वन टू हाँ का फोर आप बोलिए। बड़ी जबरदस्त बात कीजिए, मगर अभी मेरे सवाल के बाद 9 2 11 मत हो जाइएगा। ये नहीं किसी भैया, मैं वेद नहीं से होने वाला हूं। आपको? मैं एकदम आपका पकड़ के रहूंगा, मैं एकदम आपका पकड़ के रहूंगा। बात कीजिए ना। मेरा मेरा ना पकड़िए, स्टेज अरे पकड़िए, भैया, ठीक है भैया? आपका क्यों मैं पकड़ूंगा? मैं उस मेंटेलिटी का आदमी नहीं हूं, उस तरह का विचार मेरे मन में आया कि मैं ओहो कोई चीज मैंने भी पकड़ कोई लूं, किसी कोई चीज ओहो पकड़ दो लूं फोर किसी आपकी का। वॉइस ब्रेक हो मैं रही है। आपका ये आपका स्ट्रीम पकड़ने की बात सोच रहा हूं। आप गलत अच्छा अच्छा जगह पे ठीक। दिमाग लगा देते हैं। हाँ बोलिए ओ, ओ, ओ बोलिए 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 सर। सुन तो हाँ ले, सुन रहा सुन तो हूं। ले, सुन तो ले। मैं जो चीज कह रहा हूँ मेरे प्यारे भैया, बात यह है कि आपने ये चीज कही कि रेफरेंस रुफरेंस कोई भी नहीं होता हिंदू धर्म में, नहीं है होता है, नहीं होता है, एकदम नहीं ये होता आप है। डंके के चोट पे कह रहा हूं, नहीं होता है जी। कौन बोल तो दिया है सुनो, रेफरेंस होता है? वो डंके की चोट भी लग गई, डंके की वजह से लग भी गई। जरा सुनिए तो सही भैया, हाँ सुन तो ले, सुनाइए ना चोट लग सर, गई, सुनाइए ना, चोट एकदम लग गई। प्यार बढ़िया से सुन रहे हैं, सुनाइए। ये मुझे बता दें कि अगर रेफरेंस रुफरेंस होता ही नहीं है और किसी शास्त्र की, किसी ज्ञान की जरूरत, उसके बगैर ही, रेफरेंस के बगैर ही चले चलते हैं कि हाँ ईश्वर ने अपना ज्ञान जो वेदों के अंदर बखेरा हाँ दुनिया हाँ में, वो हाँ उसकी जरूरत क्या थी बता अगर रहे हैं ना रेफरेंस के वही। बगैर चले? अरे भैया तो बता तो रहा हूँ ना, सुनिए ना आप, जरा धैर्य से सुनिए। मतलब क्या बोलते हैं उसको, बताइए पेशेंस जी। को, पेशेंस से थोड़ा सुनिए। देखिए, बहुत बिल्कुल आप गहरी बात बताइए। बता रहा हूँ आपको, बहुत गहरी बात। सनातन धर्म जो है ना, वो क्या किया है कि अपने आप को, जब वेद वेद तो 10,000 15 साल पहले हुआ, उसके बाद में धीरे 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 ये रिचुअल्स में घुस गया सनातन धर्म। हर चीज रिचुअल्स में घुसा हुआ है। अब हो क्या गया है कि आप समझ रहे हो कि एक जगह से कहीं से डराइव हो रहा, वैसा नहीं है। आपको 50ों रिचुअल में घुसना पड़ेगा, एक एक रिचुअल को हटाना पड़ेगा सनातन धर्म को हटाने के लिए। मेरी बात समझिए, इसलिए सनातन, अभी आप देखिए, अभी जैसे कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, आई मीन ब्राह्मीन, मैं ब्राह्मीन हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा श्लोक श्लोक नहीं आता है, कुछ कुछ आता है, बेसिक चीज समझ में आती है। हमारे फादर एकदम सब में नहीं विश्वास रखते थे, अच्छा लेकिन हमारे घर की, एक मिनट एक मिनट वन, सुन लीजिए पूरी बात, हमारे घर नहीं की वो आपकी, लेडीज नहीं, मैं आपको लेडीज बताता हमारे हूँ, घर की सारे लेडीज। आपकी कथा नहीं सुननी, क्योंकि सास भी कभी बहू ना सुनाइएगा, ना कसौटी जिंदगी की सुनाए यहां पर। ये स्टार प्लस नहीं ना चल रहा भाई मेरे। आपसे सवाल ना पूछूं क्या? आपकी ऑटोबायोग्राफी आपकी सुनने लगे भाई? आपसे सवाल पूछना है 1 2 का 4, उस सवाल का जवाब देना है आप आपने अपनी भाग रहे हो स्टोरी। भाई साहब, मैं बिल्कुल भाग रहा हूं, भाग रहा हूं भैया। आपकी बोरिंग स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं हम, क्या भोंगियां सुने? भाग रहे हैं? अजीब। यानी मुझे टका के पकाओ और उसके बाद कह दो भाग रहा है। बहुत अच्छे, खैर रमेश भाई दूसरे को ले लीजिए, तो क्योंकि फिर तो ये ऑलरेडी सुनोगे रिजेक्ट कर ना। चुके हैं हिंदुइज्म और अब वेदांत फिर को। बोल रहा है, अब वो चुप ही नहीं कर रहा। एक मिनट, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूं। यानी टका के एक बंदे को, यार ये मुझे पब्लिक बताए, आप लोग बैठे हो, टुनी हो, ईमानदार टुनी बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं, एक बंदा भोंगियां मारना शुरू कर दे और वो कह रहा है कि जी मुझसे भाग रहे हो, तो कैसे भागूं? बस सुनता रहूं तुम्हें, सवाल का जवाब नहीं है। अभी इसको स्टेज पे लूंगा, वो बोलता जा रहा है, सुन ही नहीं रहा। आप हमको स्ट्रीम में, देखो देखो, एक तरीका मेरे पास है इनको सुनाने का, वो अप्लाई करते हैं। 1 2 का 4 जी, बात मेरी जान ये है, आप कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, और आप कह रहे हैं मुझे वेद नहीं आती। भाई ब्राह्मण का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? इसका मतलब है आप जात पात में मानते हैं। यही तो हम रो रहे हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे बन गया, जबकि उसको वेद का ज्ञान भी नहीं है। हाँ? वेद का ज्ञान नहीं और वो ब्राह्मण बना हुआ है। ये है इनकी दोगली पॉलिसी, ये है इनका तकिया, कि जब पकड़े जाते हैं। थोड़ा सा मजा लें, एक मिनट ठहरे, जरा मजा लेते हैं। मेरी बात को सुना। देखो ये बंदा कह रहा है
कि जनाब मेरी फैमिली, ये मेरी खाला, ये मेरी फुप्पो, ये मेरी मामी, ये मेरी चाची, ये मेरी मौसी, ये भाई हमें क्या लेना आपकी मौसी से, हमने को देसी घी के पराठे खाने हैं उनसे या घीयों का हलवा बनाना है उनसे, मुझे क्या लेना देना भाई। बात इतनी सी है सिर्फ कि आप कैसे ब्राह्मण हुए जब आपको वेद का ज्ञान ही कोई नहीं, इस सवाल का जवाब दे दे। कौन ब्राह्मण को वेद का ज्ञान है भाई 100% बता दीजिए तो, जो एकाध को होगा ना वो हिमालय में जाकर बैठ जाएगा। आप समझिए बात को, हमारी बात गहरी बात है, इतना हल्का फुल्का मत लीजिए। आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वेद का ज्ञान अगर जिस ब्राह्मण को हो गया वो हिमालय में जाकर बैठेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, वेद का ज्ञान मतलब नहीं है, इसका मतलब भैया 1, 2, 4 ये है कि जो बयान किया गया कि जो इस वक्त 4 वर्णास मौजूद हैं, आपका जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्यास है या शूद्रास है, तो उसमें जो ब्राह्मण है उसका धर्म का कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है? सब बता देता हूँ। देखिए, जब वो वैदिक समय जब था, उस पुराने समय में ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना, वेद को पढ़ना, वेद को समझना, और क्षत्रिय का काम था रूल करना, और वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था खेती करना। यही 4 वर्ण दिया हुआ है, आप कहीं से भी रेफरेंस ले लीजिएगा, बहुत मिल जाएगा, हमको उतना बताने की जरूरत है। सही कह रहे हैं, यही हम बता रहे हैं। लेकिन देखिए, सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रुक रुक के चलिए जरा, क्योंकि आप जी बोलिए ना, अभी जबरदस्त बात की आप। अभी सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कंसीडर होगा? नहीं, यही पर लोचा है, आप समझ लीजिए, आप समझिए श्रीमान जी, थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए। वो नहीं था ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण नहीं होना था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सारा चीज तितर बितर हो गया, बौद्धिज्म आ गया, बहुत चीज आ गया, ये सब खत्म हो गया। बाद में क्या हुआ कि सब अपने बेटा को अपने बनाने लगा। अब मान लीजिए, एकदम बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मैं एक वेदपाठी ब्राह्मण हूँ, मेरे को सारा नॉलेज है, हमारा बेटा निकल गया आवारा, उसको नहीं आता है, तो वो क्या बनेगा? वो अगर ब्राह्मण बन ही गया, कहा तो मेरा बेटा है, हम उसको ब्राह्मण बना दिया, समाज ब्राह्मण बनने लगा, वो फिर गड़बड़ा दिया, तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया सर जी, बहुत सारा डिक्लाइन हुआ है। अब तो अंग्रेजी शिक्षा आ गई है तो लोग पढ़ने लगे हैं, अलग बात है, इसलिए बेसिक है सर, जबरदस्त ये हुआ है सर। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, जबरदस्त आपने बड़ा क्लियर किया, मेरा प्रश्न ये है, आपने कहा कि सनातन धर्म के अंदर रेफरेंस वेफरेंस की कोई बात नहीं है। ना, एकदम नहीं है, एकदम आपने कहा ना, तो मेरा सवाल ये है कि फिर ईश्वर को ये ज्ञान देने की जरूरत क्या पड़ी कि वो अपने 4 वेद, अपने ज्ञान से 4 वेद दुनिया को दे? देखिए, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम लोग में क्या है कि सनातन में जब आप बेसिक शिक्षा ले लेते हो, बेसिक जितना आपको जानकारी हो जाती है, जब आप यूथ बनते हो तब आपके मन में यह होती है कि फिलॉसफी जाने, हम इस दुनिया में क्यों आए, कैसे आए, क्या है ये प्रकृति, क्या है सारा चीज, तो उसके लिए आपके मन में एक चाहत होती है, आप तब उसमें डीप डाइव करते हो। वेद बहुत ही कठिन है, छोटा मोटा चीज नहीं है, कोई अगर ये बोल देता है ये वेद का जो बेसिक ज्ञान है ये कहाँ से लेते हैं जो भी लोग? बेसिक वेद में है ना लिखा हुआ 4 ज्ञान, उसमें आसान नहीं है, किताब में आप तो कह रहे हैं, बहुत किताब है, हाँ बुक्स है, हाँ बुक्स है, किताब में रेफरेंस है, हाँ पूरा, सुनिए अब समझ सर जी थोड़ा सा बताने दीजिए डिटेल, आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ज्ञान थोड़ा सा बता दूं। ये जो है सो वेद को श्रुति बोलते हैं, यानी कि ये सुन के लिया गया है और ये सुन के ही पसंद हुआ, सुन के मेरी बात सुने ये हमें पता है जी, हम इस चीज पे आपको लाना चाह रहे हैं ना, जो आपने खुद अपनी जुबान से कहा कि वो ज्ञान लिखा गया किताबों में मौजूद है। मिसाल के तौर पर आज अगर फॉर एग्जांपल ले लें, अगर आज के दौर में, आज के टाइम में किसी शख्स को, किसी इंसान को वेद का ज्ञान हासिल करना है या अपनी जिंदगी के बारे में जानना है, वो किधर जाएगा? वो उसको सबसे पहले देखिए, अगर कोई वेद पढ़ना चाहता है फॉर एग्जांपल, उसको सर्वप्रथम सबसे पहला काम है कि 3 साल बैठ के संस्कृत को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। किधर से ऐसे पढ़ेगा? किधर से पढ़ेगा? संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत है ना नॉलेज, बुक्स में है, सब जगह है, संस्कृत का ज्ञान भाषा है, लैंग्वेज है, जैसे आपका उर्दू लैंग्वेज है ना, संस्कृत लैंग्वेज है, बुक्स है, तो हाँ रेफरेंस है ना, बुक का रेफरेंस, संस्कृत का रेफरेंस है, संस्कृत का रेफरेंस है। अच्छा, वेद का क्या है, वेद किधर से पढ़ेगा? वही तो बोल रहे हैं, उसके बाद आप वेद पढ़िए। नहीं तो वेद क्या है, वेद कहाँ से पढ़े, मतलब वेद कहाँ से पढ़े, किधर है वेद?
एक मिनट देखिए, वेद कहाँ है आपको मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान में कम से कम ज्यादा नहीं है, अब तो सब मुगल लोग आए तो सब बर्बादे कर दिए, लेकिन है कुछ कुछ। इधर उधर ना जाएं, ये बता नहीं भाई, वेद के बारे में बता रहा हूँ, सुनिए तो। वेद आपके घर में, तो श्रीमान जी सुन तो लीजिए पूरा बात, आप बीच में क्यों खड़ जा रहे हो? ऐसा नहीं, एक छोटा सवाल है, आपको आसानी होगी। पांच या अरे सुनिए, छह या सात वेद पाठशाला है, वहां आप देखेंगे गुरु बैठता है, शिष्य को बैठाता है और वो उच्चारण करके उसको सिखाता है, उसको किताब से नहीं, ठीक है, उच्चारण करके, बोल बोल करके, और वो भी सीखता है, तो वो है वेद पाठी। ठीक है, सुनिए, आपके घर में वेद मौजूद है? मेरे घर में है। आपके घर वेद मौजूद है? हाँ, मेरे घर में है, मेरे पिताजी पढ़ा करते थे, हम लोग वहीं पढ़ते थे। किताब की शक्ल? हाँ, मोटी मोटी किताब की शक्ल में, किताब खोलकर ही पढ़ते थे? हाँ, उसके अंदर रेफरेंसेस मौजूद है ना वेद के? हाँ भाई, श्लोक सब दिया हुआ है, उसका अर्थ भी दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। 1, 2, 4 आपने जो पहले बोला था कि वेद के कोई रेफरेंस नहीं है, आप अभी बोल रहे हैं कि किताब है, किताब खोल के पढ़ते हैं, मेरी बात को गलत ले रहे हैं। मैंने कहा सनातन में रेफरेंस लेने का जरूरत नहीं है, वेद के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका भी वेद का मैं रेफरेंस नहीं लूंगा सनातन के लिए, ये मेरी बात है श्रीमान जी। सुने 1, 2, 4 इसका भी मसला कर देते हैं। पहले तो किताबों का मसला हल हो गया, अब आप क्या हल हो गया? सुने जरा, सनातन धर्म में कोई रेफरेंस नहीं है, यही बात है? नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है। अच्छा, अब सुन ले, सनातन धर्म, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है ना, सनातन धर्म कहाँ पर पड़े, आप कहाँ से मिला? सनातन धर्म जो है ना, ये हम लोगों को बचपन से और दादा परदादा से और अभी चारों तरफ सनातन, सुनिए, उनको कहाँ से मिला? ये वेद में, ये वेद में लिखा है, हिंदू में वेद में लिखा है, वेद पुराण उपनिषद वेद में है, सनातन लिखा है, गीता में सनातन आया हुआ, हिंदू नहीं, सनातन वेद में, आप नहीं रहे सनातन है, आप सुन ही नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे हैं, बोलिए ना सर जी, बोलिए, पूछ रहा हूँ, सनातन, सनातन धर्म, सनातन वर्ड, हिंदू नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुइज्म नहीं बोल रहा हूँ, सनातन कहाँ से मिला आपके दादा परदादा, आपको वेद से मिला? सबको वेद में मिला होगा, और कहीं से मिला होगा, और कहाँ से मिलेगा? वेद किताब है, वेद किताब है, कितना बार बोले तो आपके सनातन, आज ठीक है, ओके, आज के दिन में किताब में है, आज के दिन में होल्ड ऑन, अभी आप रुकिए, सनातन धर्म का आप कोई रेफरेंस नहीं है बोल रहे हैं, सनातन खुद एक रेफरेंस का मोहताज है, उसको रेफरेंस अप्रूव नहीं, मैं इसको 200% बोल रहे हैं, इसको काटता हूं, बोल रहे हैं काटता हूं मैं, वेल डन, जबरदस्त सैम भाई, जबरदस्त, यानी जिस धर्म को कह रहे हैं कि रेफरेंस नहीं है, उस वर्ड के लिए रेफरेंस चाहिए, वरना ये सनातन धर्म को सनातन धर्म नहीं कह सकते, तकिए की इंतहा हो गई है। तो 1, 2 का 4 भाई, एक्सट्रीम लेवल है, यानी पहले इनको बताया कि जो धर्म की टीचिंग्स है वो कहां से ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं वेदों से। वेदें क्या हैं? किताब हैं। ये अजीब गोरख धंधा है, ये अजीब गुंजल है, ये अजीब टपोसी है, ये अजीब तकिया है कि कह रहे हैं कि किताबों से लिया, बड़े वहां पढ़ते रहे, मगर सनातन धर्म के लिए कोई रेफरेंस नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? आपकी एक एक चीज जब हम पूछते हैं, ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं तो किताबों की तरफ नहीं जाते, ये गंगा जमुना का जिक्र क्यों है तो किताबों की तरफ नहीं जाते, भगवानों के अवतार का, ईश्वर के अवतार का जिक्र है तो रेफरेंस की तरफ नहीं जाते, कहते जी सुनो किताबों की तरफ जाते हैं, किताबों के रेफरेंस दिए हैं, आपके बड़े बड़े स्वामियों ने किताबों के रेफरेंस दिए हैं, ये अजीब नई मंतक निकाली है, ये किताब के बगैर चलेंगे। 1, 2 का भाई आपसे लेते हैं इजाजत, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोग नहीं समझने के तैयार हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।